नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिवल पर। हम आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। इस बार हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन कुसुमपट्टी शिमला 9 द्वारा निकाली गई पोस्टों के बारे में। इन्होंने जो पोस्टें भरनी है उनका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, IT क्लर्क, ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरी जाएगी। और इसके साथ ही PN की पोस्टें भी भरी जाएंगी, जो कि डेली बेसिस पर भरी जाएगी। उसके बाद बताया है कि एप्लीकेशन कहां पर भेजनी है। ये भेजनी है टू द रजिस्ट्रार HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन, ब्लॉक नंबर 33, STA कम्प्लेक्स कुसुमपट्टी शिमला 9। और आपका फॉर्म 13 मई 2022 को शाम 5 बजे तक इस ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट इस फॉर्म को बाय हैंड सबमिट करना चाहता है तो ये सबमिट होंगे इन द पर्सन विद द रजिस्ट्री ऑफ द स्टेट कमीशन, और समय रहेगा 10 से 5 बजे के बीच आप इनको सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद जो एनवेल्प रहेगा उसके ऊपर आपने पोस्ट अप्लाइड लिखना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपने नाम एनवेल्प के ऊपर लिखना है। यदि फॉर्म इनकम्प्लीट होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है, तो लड़कियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को आज भरें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी फॉर्म निकलते हैं उनको उसी दिन भरें जिस दिन आपको उस फॉर्म का पता चलता है। लास्ट डेट का इंतज़ार कभी ना करें। अब बात करते हैं कि आपने इस फॉर्म को किस प्रकार भरना है। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को आप hpconsumercommission.in.in वेबसाइट से डाउनलोड करके भर सकते हैं। वैकेंट पोस्टों के बारे में बताते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT में जनरल की 3 पोस्टें हैं, और क्लर्क में जनरल की 1, SC की 1, ड्राइवर की जनरल में 1, प्रोसेस सर्वर की जनरल में 1 पोस्ट है। ये सारी पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरी जानी है, लेकिन इसके बाद जो PN की पोस्ट है जनरल कैटेगरी में 2 पोस्टें खाली हैं, जो कि डेली वेज बेसिस पर भरी जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पे स्केल रहेगा वो 12,360 रुपये मिलेगा, जो कि इनिशियल पे का 60% बनता है। उसी तरह क्लर्क को 12,120 रुपये मिलेंगे और ड्राइवर को 12,780 रुपये मिलेंगे, और PN की पे 350 रुपये पर डे के मिलेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो डेली बेसिस के आधार पर भरी जा रही है। अब बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, और आपके पास जो है वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आपको नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, जो कि लगभग सभी को पता होता है। और इसके बाद एक नोट रखा गया है, इसमें बताया गया है कि अगर आप बोनाफाइड हिमाचली नहीं हैं तो आपका 10वीं और प्लस 2 जो है हिमाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए। इसमें जो फीस रखी गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 300 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ कि किसी भी फॉर्म को आप उसी दिन भर दें जिस दिन आपको उस फॉर्म के बारे में पता चलता है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। क्लर्क के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपराइटिंग में होनी चाहिए या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपराइटिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। और वही बात दोबारा से, वर्ड प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स हिमाचल प्रदेश। अगर आप हिमाचली बोनाफाइड नहीं हैं तो आपकी 10वीं और प्लस 2 हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसमें भी एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 150 रुपये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका 10वीं पास होना आवश्यक है, और आपके पास हैवी या लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए हिली टेरेन में। और फिर से वही बात, अगर आप हिमाचली बोनाफाइड नहीं हैं तो आपकी 10th और प्लस 2 हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, और फीस 300 रुपये अनरिजर्व्ड के लिए, 150 रुपये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। प्रोसेस सर्वर के लिए 10th प्लस 2 होना आवश्यक है, और आपका 10th और प्लस 2 जो है हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। अगर आप हिमाचल बोनाफाइड हैं तो ये कंडीशन आपके लिए नहीं है। और जो फीस रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए 100 रुपये, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50 रुपये, और लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और PN के लिए आपका 10वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप हिमाचली बोनाफाइड नहीं हैं तो आपकी 10th और प्लस 2 हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए।
और इसके लिए जो फीस रखी गई है 100 रुपये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 50 रुपये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं है। और PN की पोस्ट में प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। और एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की है, एज लिमिट 18 से 45 साल है। और काउंट कब की जाएगी, 1 अप्रैल 2022 को ये काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलेगी। और इनकी एक एक जो कॉपी है वो निम्नलिखित ऑफिसेज या न्यूज़पेपर एडिटर इत्यादि को भेज दी गई है, और इसके साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी इसकी एक कॉपी लगा दी गई है। और इसी नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में ही ये सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन रखी गई है। और जो फीस है वो किस प्रकार से देनी है आपने, आप फीस को ड्राफ्ट या IPO के थ्रू दे सकते हैं। IPO आसानी से और जल्दी बन जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस से बनता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी फॉर्मेट में मांगा गया है वो आप उसके साथ अटैच कर दें फॉर्म के साथ, अगर मांगा गया है तो आप आराम से एप्लीकेशन को पढ़िए और भरिए। तो मिलते हैं आपको अपने YouTube चैनल रिवल पर अगली बार। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो तुक्के से मिलेंगे।